हेलो एवरीवन, दिस इज किरण एंड वेलकम टू किरण क्लासेस। आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एक्सक्रेशन इन प्लांट्स, पादपों में उत्सर्जन। पादपों में उत्सर्जन, प्लांट्स में पोषण, प्लांट्स में श्वसन, प्लांट्स में उत्सर्जन, ऐसा टॉपिक दे रखा है। पोषण और श्वसन कंप्लीट कर चुके हैं, आज स्टार्ट करेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि मानव में उत्सर्जन देखें तो जटिल मैकेनिज्म पाई जाती है। जटिल जो संरचना होती है, विशिष्ट ऑर्गन होते हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट्स में ऐसी कोई संरचनाएं नहीं होती हैं, ऐसे कोई ऑर्गन नहीं होते हैं, जटिल मैकेनिज्म नहीं होती हैं जिसके थ्रू ऐसा कहा जाए कि प्लांट्स इसके थ्रू खास तौर से उत्सर्जन कर रहे होते हैं। प्लांट्स में बहुत ही सरल तरीके से उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। इसे समझा जाए, सरलतम प्रक्रिया है वो प्लांट्स में पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बताऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, पौधे क्या करते हैं, पौधे अर्जित की हुई ऊर्जा का स्वयं ही वे कर लेते हैं, यानी कि इनके पास में अपशिष्ट है वो बहुत कम होता है, नेगेटिवल होता है कि वो उत्सर्जन कर पाए। पौधे अर्जित की हुई ऊर्जा का स्वयं ही उपयोग कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो खाद्य पदार्थ बनता है, आपको पता है खाद्य पदार्थ क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण है वो प्लांट्स में देनो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो बना होता है, इस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग है प्लांट्स किस में कर लेते हैं, रेस्पिरेशन में इसका उपयोग कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इनके पास में क्या नहीं होती है, कि इनके पास में इनका रेस्पिरेशन में उपयोग कर लेते हैं, जिससे सरलतम जो उत्सर्जन प्रक्रिया है, जिससे जो उत्सर्जन हेतु है बहुत कम पदार्थ है वो बचते हैं। अगली मैं इनमें एक्सक्रीशन के बाद बताऊँ तो प्लांट्स में क्या होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है। ऑलराइट, प्रोटीन उपापचय होता है। मानव में तो क्या होता है, प्रोटीन जब उपापचय होता है तो प्रोटीन उपापचय के द्वारा बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ है वो बचता है। प्लांट्स में भी प्रोटीन उपापचय होता है, विभिन्न प्रकार के अमाइनो एसिड बनते हैं। तो प्रोटीन में आपको पता होता है नाइट्रोजन कंटेंट होता है। प्रोटीन उपापचय के बाद में जो नाइट्रोजन अपशिष्ट बनता है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, इस नाइट्रोजन अपशिष्ट का फिर से कई नए प्रोटीन के निर्माण में उपयोग में ले लिया जाता है, जिससे उत्सर्जन हेतु बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है, उत्सर्जन हेतु बहुत ही कम मात्रा में पदार्थ है वो बनता है, क्योंकि इस प्रकार से रीयूजेबल अपशिष्ट पदार्थ होता है प्रोटीन, उसको फिर से नई प्रोटीन के संश्लेषण में यूज में ले लिया जाता है। पादपों में क्या होता है, पादपों में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, पादपों में इस कार्बोहाइड्रेट का ये बहुत ही कम मात्रा में अंतिम जो प्रोडक्ट होता है उसमें जो शेष बचता है, और प्लांट्स में ये बहुत ही कम मात्रा में ये शेष रह पाता है, और अगर प्लांट्स में शेष रह भी जाए तो उसके लिए कोई नुकसानदेह नहीं होता है, प्लांट्स के लिए कोई हानिकारक नहीं होते हैं, इसलिए इनमें एक्सक्रीशन की जो है वो ज़रूरत ही नहीं होती है। जो जलीय पदार्थ होते हैं, वाटर में पाए जाने वाले जो पादप पदार्थ नहीं सॉरी जलीय जो पादप होते हैं वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं,
इनमें क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, यानी जलीय पादपों में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनकी सांद्रता होती है वो ज़्यादा होती है। अब जल में पाए जाते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे विसरण का नियम है वो लागू होता है, यानी पदार्थ के अणु का अपने हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाना। अब प्लांट्स में है, प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स में अपशिष्ट पदार्थ है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, बाहर वाटर होता है, इसलिए विसरण के द्वारा क्या हो जाता है, इनमें उत्सर्जन हो जाता है। जलीय पादपों में विसरण के द्वारा क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। मैं बात करूँ आगे स्थलीय पादपों की, टेरिस्ट्रियल प्लांट की, स्थलीय प्लांट में क्या होता है, टेरिस्ट्रियल प्लांट में आप सभी को पता है स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, रंध्र प्रेजेंट होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि जो गैस विनिमय होता है, गैस विनिमय का मतलब है CO2 को बाहर निकालना, O2 को अंदर लेना, तो जो गैस CO2 भी अंदर लेता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में, इसीलिए जो गैस विनिमय होता है उस गैस विनिमय में क्या है कि जो प्लांट्स है वो स्टोमेटा का उपयोग करते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा गैसेस होती हैं उनको बाहर निकालने का। कहने का तात्पर्य गैस विनिमय में प्लांट है वो स्टोमेटा का यूज़ लेते हैं। स्थलीय पादपों में ये इस प्रकार की मैकेनिज्म पाई जाती है एक्सक्रीशन की। जो पेड़ वाले छाल, जिन पेड़ में जो छाल होती है ना, छाल होती है, उनमें क्या पाए जाते हैं, वात रंध्र पाए जाते हैं, संकर स्टोमेटा उनमें प्रेजेंट होते हैं, जो पेड़ों वाली छाल में संकर स्टो, पेड़ की जो छाल होती है उनमें वात रंध्र प्रेजेंट होते हैं, और वात रंध्र की एक स्पेसिफिक करैक्टर है कि ये हमेशा खुले होते हैं, हमेशा खुले होते हैं वात रंध्र। इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू है वो विभिन्न जो गैसेज वगैरह हैं लगातार इससे क्या होता है, उत्सर्जन है वो चलता रहता है। मैं बात करूँ, आपने सुना होगा नींबू और संतरा में कुछ एसिड पाए जाते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड की मैं बात करूँ, टार्ट्रिक एसिड है ना, सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड की मैं बात करूँ, तो ये क्या, इसमें इनमें ये क्या है, ये प्लांट्स के लिए अनुपयोगी होते हैं सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड, और ये प्लांट्स की जो वैक्यूल होती है उस वैक्यूल में ये प्रेजेंट होते हैं। हालांकि जो नींबू और संतरा होता है, नींबू में और संतरे में क्या पाए जाते हैं, ये एसिड पाए जाते हैं और ये उपयोगी हो जाते हैं, और इनके कारण स्वाद है वो खट्टा हो जाता है, स्वाद है वो खट्टा हो जाता है। ये हालांकि ये वैक्यूल में जब प्रेजेंट होते हैं तो प्लांट्स के लिए कोई हानिकारक नहीं होते हैं। आगे मैं बात करूं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो द्वितीय उपापचय जिनको कहा जाता है, वो द्वितीय सेकेंडरी मेटाबोलाइट आप जानते हो, जैसे कि टेनिन हो गया, कुनेन हो गया, है ना, ग्लूकोसाइड हो गया, है ना, ये क्या है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, द्वितीयक उपापचय हैं, तो ये प्लांट्स के लिए तो अनयूजफुल होते हैं, अनुपयोगी होते हैं, लेकिन ये मानव के लिए ये बहुत ज़्यादा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये उपयोगी होते हैं, जो टैनिन वगैरह हैं, ग्लूकोसाइड वगैरह हैं ये, तो इनमें जो एक्सक्रीशन का है वो इतना नहीं हो पाता रह पाता है, क्योंकि प्लांट्स के लिए वो ज़्यादा वो नहीं है, ये उपयोगी तो नहीं है, लेकिन ये मानव के लिए जो ह्यूमन के लिए उपयोगी हैं, तो इनकी जो दैनिक दिनचर्या में इनका यूज होता रहता है ना। जो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपने सुना होगा जो क्रिस्टली स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सीलेट
है ना, क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर जो कैल्शियम ऑक्सीलेट वगैरह है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इनकी जो बनी हुई होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की ना जो पत्ती होती है, लीफ होती है, उसकी जो अधिचरम होती है उनमें ये संरचनाएं प्रेजेंट होती है। और जब पतझड़ होती है तो पतझड़ के थ्रू क्या होता है, ये इनके पत्ती के थ्रू, ये पतझड़ के, पतझड़ में पत्ती के थ्रू ये क्या होता है, ये नीचे गिर जाती है। यानी कि पतझड़ भी क्या है, पतझड़ भी क्या है, पतझड़ भी एक क्या है, एक्सक्रीशन का एक रूप है, उत्सर्जन का एक विकल्प के तौर पे आप बोल सकते हो पतझड़, है ना। तो प्लांट्स में उत्सर्जन के ये तरीके होते हैं, इनके थ्रू ये प्लांट्स है जो उत्सर्जन करता है। बाकी इनमें कोई स्पेसिफिक संरचना वो प्रेजेंट नहीं होती है जिसका अपन लोग स्टडी करें। ये कोमलनी होती हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इस रूप में जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, एंड जो वाटर में रहने वाले प्लांट्स भी विसरण के माध्यम से करते हैं ना, ये सब सारी चीज़ें इनमें प्रेजेंट होती हैं जिनके थ्रू ये एक्सक्रीशन करते हैं। तो आई होप मैं यहाँ क्लियर रही होंगी, आप सब लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल दी बेस्ट।